आज हम जानेंगे कुछ मजेदार टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। पहला यूजफुल टिप आपको जरूर देखना चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की, आपके यहाँ बिल्कुल कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। पहला यूजफुल टिप मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर घर में ना बच्चे होते ही है। अभी आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बच्चा है वो 3 साल का हो चुका है, इसे मैं स्कूल में डालने वाली हूँ। पर इस एज के जो बच्चे होते हैं इन्हें ना पेंसिल पकड़ना नहीं आता है। जैसे कि मेरा ये बच्चा है, ये तो पेंसिल पकड़ लेता है, इसका जो बड़ा भाई है उसने इसे सिखाया है, और जब बच्चे बच्चों के साथ रहते हैं ना तो जल्दी से वो कैच भी कर लेते हैं। पर जो बच्चा पहला है उसके लिए ये बड़ी दिक्कत होती है कि वो पेंसिल पकड़ना नहीं सीख पाते हैं, या अभी आपको बच्चे को पेंसिल पकड़ाना है। एक तरीका बता रही हूँ, आप इसे यूज कीजिएगा। ये जो रबर होता है जो हम हमारे बालों में लगाते हैं, इसका यूज कीजिएगा। मिठाई के डिब्बे वाले रबड़ का मत यूज कीजिएगा, उससे बच्चों की उंगलियों पे निशान आ जाते हैं। पेंसिल को मैंने इस तरीके से पकड़ा है, एक नोट हमने इसमें लगाना है, और ये देखिए पेंसिल अच्छे से फिक्स हो गई है। अब आप बच्चे को दे दीजिए। बच्चे ज्यादातर यही करते हैं, बच्चों को पेंसिल पकड़ में ही नहीं आती है। अगर उनको पेंसिल पकड़ में अच्छे से आ गई तो वो बराबर लिखना सीखेंगे। शुरू में कुछ गलतियां करेंगे पर हाँ, वो लिखना सीख जाएंगे। यहाँ जो मेरा बच्चा है वो एक सर्कल बनाना सीख रहा है, और शुरू में आपको बच्चे को सर्कल बनाना ही सिखाना है, और एक स्टैंडिंग लाइन जिसे हम OT कहते हैं। आप पहले से अगर बच्चे को ये प्रिपेयर करके रखेंगे, यकीन मानिए जब बच्चा स्कूल में जाएगा बच्चा बराबर पेंसिल पकड़ेगा और आराम से एक सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन यानी 1 बना ही लेगा। तो ये एक बेसिक एजुकेशन होती है जो हम मम्मी लोग बच्चे को देते हैं, तो ये हर माँ के लिए बहुत उपयोगी टिप्स से आप इसे जरूर अपनाइएगा। बस आप जो रबर बैंड यूज करें ना वो बालों वाला यूज कीजिएगा, मिठाई के डब्बे वाला बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो बच्चों की उंगलियों में निशान आ जाएगा। और मैंने बढ़िया से बच्चे की उंगली में लगा दिया है, अब बच्चा कितना भी चाहे जब तक पेंसिल खींचेंगे नहीं बाहर नहीं आएगी। है ना कमाल का टिप्स। हमारे घर में हमेशा शॉपिंग का काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ घर में आता ही रहता है। अब इस तरीके से हमारे घर में बॉक्सेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। ऑनलाइन आप सामान मंगाइए या ऑफलाइन मार्केट से ही क्यों ना लेकर आए, बॉक्स बहुत सारे हो जाते हैं। क्या आप भी इन्हें फेंक देते हैं? बिल्कुल मत फेंकिए। ये जो गिफ्ट पेपर होते हैं, ये नॉर्मल कोई सा भी पेपर है जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उससे आप बढ़िया से इसे फेविकोल की मदद से कवर कर लीजिए। इसके बाद में आप अपने घर के सामान इसके अंदर रखिए। एक तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, दूसरा जब आप इसे कवर करके अच्छे से रखेंगे तो आपका मन भी करेगा इसे यूज करने का। नॉर्मल इसी तरीके से बॉक्स का यूज करेंगे तो देखने में अच्छा ना लगने की वजह से हम इसे के जल्दीबाजी में उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो हमेशा इस तरीके से कलरफुल पेपर से इसे कवर करिएगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। मैं 6 महीने से यूज कर रही हूँ और मुझे यूज करने में भी काफी अच्छा लगता है। जो दवाई के छोटे बॉक्स आते हैं या इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स में जो भी सामान आते हैं, इसको भी आप अच्छे से बढ़िया से कवर करके रख सकते हैं और छोटी छोटी चीजें इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थैलियों को भी इसके अंदर रखा है, ये बच्चे की घड़ियां है, यहाँ पे सेलो टेप है, रबर बैंड है जो कि डेली लाइफ में यूज आने वाली चीजें हैं, इनको रखने के लिए आप बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर यही चीजें जो होती है हमारे घर में बिखरी रहती है, जिसकी वजह से हमारा घर बहुत ज्यादा मेसी होता है। अगला यूजफुल हैक मेरा इसी बॉक्स से जुड़ा हुआ है। ये जो बॉक्स है इसका मैं बहुत अच्छे से यूज करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो पीछे वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पर आपने सेलो टेप से अच्छे से चिपका लेना है। अच्छा, ये जूते का बॉक्स है इसलिए मुझे सेलो टेप यहाँ लगाना पड़ रहा है। आप ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे तो वहां पर अच्छे से टेप पहले से लगी हुई आती है, बस जहां से आप ओपन करते होंगे ना उसी एरिया में आपको ओपन करना है। तो ये जूते का बॉक्स है इसलिए मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ ताकि ये लॉन्ग टाइम तक भी चले, और मैं इसे अभी फिलहाल किसी पेपर से कवर नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो अच्छे से बढ़िया से डेकोरेट इसे कर सकते हैं, देखने में ये सुंदर लगते हैं। तो यह सेलो टेप हमने लगा लिया है, चलिए इसे हम टर्न करते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास कटर है तो उसका यूज कीजिएगा, अगर कटर वगैरह नहीं है तो आप मेरी तरीके से चाकू का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ना हमने एक चौकोर कटिंग करनी है या स्क्वेयर शेप को कट करना है, तो मैं चाकू की मदद से आपको कट करके खा रही हूँ। ये भी आसानी से हो सकता है। आपको यहाँ कट करने में अगर कोई दिक्कत हो तो पेन वगैरह से यहाँ पर आप लाइंस पहले बना लीजिए, उसके बाद में कट कर लीजिएगा। तो हमें एक रफली यहाँ पर चौकोर जैसा कट करके रेडी कर लेना है, चाहे तो आप सर्कल भी कर सकते हैं, जिस तरीके का भी आपको
चाहिए उस तरीके से आप इसे कट करके रेडी कर लीजिएगा। ये जो बॉक्स हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं ना, ये हमारे घर के ही कचरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करेगा। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमारे घर में ना शॉपिंग जो होती है वो काम डेली होता है, डेली हमारे घर में कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि गृहस्थी में हमेशा कुछ ना कुछ सामान की हमें जरूरत होती है, जैसे सब्जियां हुआ, चावल हुआ, ये घर में ही किसी चीज के लिए हमें बाजार जाना होता है। तो उसके साथ एक चीज हमेशा हाथ में आती है, वो है ये पॉलिथीन। ये जो पॉलिथीन होती है इसका कभी कभी हमारे घर में ढेर लग जाता है, ज्यादातर हम इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, ऐसे ही पटक देते हैं, सोचते हैं जब जरूरत होगी तब उठा लेंगे, पर इससे हमारा घर ना बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है। तो आपने इसे लगाना कैसा है, चलिए ये देख लीजिए। सबसे बड़ा जो पॉलिथीन है वो सबसे पहले आपने नीचे लगाना है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा इस तरीके से आपने एक ट्रेंगल जैसे, या बोल सकते हैं साइज वाइज आप इसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा इसके ऊपर अरेंज कर लीजिएगा। आप इसे बॉक्स के ऊपर ही करेंगे तो आपको एक सटीक मेजरमेंट होगा कि हाँ कितनी बड़ी साइज में ये बन के तैयार होगा। तो मेरे पास जितनी भी पॉलिथीन है वो सारी की सारी मैंने इसके ऊपर लगा ली है। अब इस बॉक्स का यूज करेंगे ये जो बेकार की पॉलिथीन है इनको ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पॉलिथीन को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है। इसके बाद मैं बीच से इसे पकड़कर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लफी होती है तो ठीक से तो पकड़ में नहीं आएगी, पर बीच वाले हिस्से से आप इसे पकड़िए, इनसाइड अंदर की तरफ आप इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिएगा। सबसे ऊपर मैंने छोटे वाले पॉलिथीन को रखा है, इसका बस यही एक प्रॉब्लम है कि सबसे पहले ना आपके हाथ में छोटे वाली ही पॉलिथीन आएगी। अगर आप चाहें तो बड़ी छोटी कर सकते हो, पर जैसे जरूरत होगी वैसे आप पॉलिथीन निकाल सकते हो। तो मैंने पॉलिथीन इसके अंदर डाल दिया है, एक के ऊपर एक लेयर इसलिए ही बनाई है ताकि निकालते वक्त सिर्फ एक ही पॉलिथीन हमारे हाथ में आए। यहां चाहे तो आप सेलो टेप से इसे पैक भी कर सकते है, तो मैंने इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 पॉलिथीन ही डाला है, तो इसलिए मैं इसे पैक नहीं कर रही हूं और मैं चाहती हूं इसे डेली लाइफ में यूज करूं, तो मैं तो सेलो टेप नहीं लगा रही हूं और ना ही कहूंगी कि आप भी लगाएं। अब मैं आपको पॉलिथीन निकाल के दिखा रही हूं। तो देखिए, एक पॉलिथीन निकाला, ये दूसरा मैंने निकाला, आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से एक पकड़िए, चौथा भी निकल जाएगा, पांचवा भी निकल जाएगा, आराम से पॉलिथीन निकलती जाएगी। जब पॉलिथीन खत्म हो जाए तो फिर से आपके घर में और पॉलिथीन आती होगी, उनको भी इस तरीके से सेट कर लीजिए, इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब ये जो पॉलिथीन है जिसकी वजह से हमारा घर मेसी होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और आपकी जो पॉलिथीन है वो भी आपको टाइम पे मिलेगी। चाहे तो आप ना एक स्टिकर पे लिख कर इसके ऊपर लगा भी सकते हैं कि ये पॉलिथीन का बॉक्स है, ताकि किसी को पॉलिथीन ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो है ना, ये बहुत ही काम का आइडिया, इसे जरूर यूज कीजिएगा, आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, और जो बेकार की चीजें हम कचरा समझ के फेंक देते हैं एनवायरमेंट में उसका आप सही तरीके से यूज भी कर पाएंगे। ऐसे ही एक और अगली चीज है जिसको हम अक्सर कचरे में फेंक देते हैं, हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों के टॉयज आते हैं, उसके साथ इस तरह की अच्छी क्वालिटी के ना प्लास्टिक बैग भी आते हैं। ये प्लास्टिक बैग लगभग मैं 3 साल से यूज कर रही हूं, तो मैंने इसे अलमीरा में यूज किया था तो वहां इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये अच्छी क्वालिटी होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसका चेन अभी तक बढ़िया है। तो मैं इसका आज यूज किचन में करके बता रही हूँ। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है तो आराम से आप इसके अंदर काफी सारी चीजें रख सकते हैं। हमारे किचन में भी ना कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं होते हैं, जैसे कि प्लेट है, इतनी प्लेट का मेरे यहाँ यूज नहीं होता है, जब कोई आता है या खाना वगैरह ज्यादा बनता है तभी ये प्लेट का यूज होता है, नहीं तो नहीं यूज होता है, जिसकी वजह से ये किचन में रखे रखे ही धूल डस्ट पकड़ लेती है। तो इस तरह की चम्मच हुई, जो भी छोटा बर्तन है जो कि अभी में यूज नहीं आ रहा है, या आप हफ्ते या वीकेंड में कभी यूज करते हो 15 दिन की गैप में, उन बर्तनों को आप इस तरह के प्लास्टिक बैग में रखिए, ट्रांसपेरेंट है, आराम से दिख जाएंगे। जब हम किसी स्टील कंटेनर में रखते हैं तो दिक्कत ये होती है, बाहर से दिखता नहीं है और बार बार हम सारे कंटेनर को पकड़ के खोलने लग जाते हैं क्योंकि बाहर से हमें कुछ दिखता है नहीं। तो आप ना इस तरह की प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इस तरह के प्लास्टिक बैग को भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप जब मार्केट से जूता वगैरह लाते होंगे तो उसके फीते वाली जगह पर आपको इस तरह का एक प्लास्टिक लगा हुआ मिलेगा, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसे भी हम ज्यादातर डस्टबिन में फेंकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सारे उन टिप्स को बताता है जिसे हम कचरे में फेंक देते हैं और उसका हम घर में कैसे रीयूज करें। तो ये वाला जो प्लास्टिक है काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसे मैं इस तरीके से पकड़ूंगी, और यहाँ पर देखिए मैं उस ट्रिक को भी आपको बता रही हूँ जिसे करने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, किसी प्लास्टिक को सर्कल के फॉर्म में कट करना। तो आप
इस तरीके से चौकोर मोड़ लीजिए, इसके बाद में आप कट करेंगे ना तो आराम से कितनी भी हार्ड प्लास्टिक हो वो आराम से सर्कल फॉर्म में कट के रेडी हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया ही है। आप पेपर पे भी स्टिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपके वाटर प्लांट है या कोई सा भी प्लांट है उसको आप इसके ऊपर रख दीजिए, अगर आर्टिफिशियल फ्लावर है तो वो भी रख दीजिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो इसको इसका बेस मिल जाता है। यहाँ मैंने आपको वाटर प्लांट बताया है, कोई सा भी प्लांट या आप किसी बोतल वगैरह को ही क्यों ना रखते हो, उनके बेस के लिए आप इस तरह की हार्ड प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी होती है यूज करने में, बहुत जल्दी ये खराब भी नहीं होती है और सफाई करने में ना बहुत ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि हर सरफेस पे धूल मिट्टी बहुत जल्दी आती है। हर हफ्ते हमें पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी ही होती है, तब आपकी ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी कि किसी भी प्लांट वगैरह के नीचे या वाटर प्लांट है या कोई सा भी आर्टिफिशियल प्लांट भी आपके घर में क्यों ना हो उसके बेस में आप इसे लगा सकते हैं।